बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और परीक्षा जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने, बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई। जी हां, कल देर रात शिक्षा मंत्रालय और सरकार की तरफ से खाली में मीटिंग आयोजित की गई और उस मीटिंग के माध्यम से सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ा और अहम ऐलान कर दिया है। यदि आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है, जिसको सुनकर सभी छात्र छात्राएं खुशी से बौखला जाएंगे। आप सभी को बता दें कि अब बोर्ड परीक्षा समय आप सभी के पास में बहुत ही ज्यादा कम और सेंस रह गया है और बोर्ड परीक्षा तारीखों का और साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है। 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद प्रीबोर्ड परीक्षाओं का, इसके बाद में फिर बोर्ड परीक्षा आयोजन होना है, जिसको लेकर बहुत ही बड़े नियम बनाए गए। आप सभी को बता दें कि सभी छात्रों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार का यह साफ साफ कहना है कि इस बार छात्र छात्रों को कम परसेंटेज नहीं आनी चाहिए, यहां तक कि किसी भी छात्र को फेल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी रणनीति बनानी है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन भी है जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्र छात्रों को ध्यान रखना होगा, और जो कंडीशन है वो हम आपको इस वीडियो में माध्यम से बताने वाले, तो आप इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपने बोर्ड राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके राज्य और बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। जी आपसे बता दें, बोर्ड परीक्षा 2025 में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, अगर आप भी इन बदलावों से वंचित रहेंगे तो आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। आप सभी को बता दें कि 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने इस बार कहा कि लगभग सभी छात्रों को इस बार 60% से ऊपर ही नंबर आने चाहिए और उनको पास किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा है कि कोई भी छात्र इस बार फेल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने बड़ी रणनीति बनाकर तैयार कर ली है। सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर गलत या सही किसी भी प्रकार से लिख देते हैं तो उस पर्सन के छात्र छात्राओं को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, उसका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली छात्र है। आप सभी को बता दें कि आपको जो बोर्ड परीक्षा 2025 का सेशन जो मिला, इसमें कुछ कंडीशन है जो सभी छात्र छात्राओं को ध्यान में रखना होगा। बोर्ड परीक्षा के पेपर में आप काले नीले पेन का ही इस्तेमाल करें और किसी भी रंग बिरंगे पेन का अगर आप यूज करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। साथ ही आपको इस बार परीक्षा से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको कॉपी में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इसके अलावा नंबर भी काट लिए जाएंगे। और अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी है और आप प्रश्नों का लिखने का जो आंसर देने का तरीका वो बहुत ही ज़्यादा आपका सटीक है तो आपको एक्स्ट्रा अंक भी दिए जाएंगे। ये सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, इस पर आप सवाल लिखा रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।